ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देन क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाय, गुड सो मॉर्निंग क्लासिकल सर। का मतलब होता है, यस किशन गुड मॉर्निंग, क्लासिकल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि हाय, काफी गुड मॉर्निंग पुरानी सर। है और अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ किशन, कुछ कह रहे हैं आप? हेलो किशन, सर, हाँ सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक स्टार्ट करते हैं। 8:15 में तो नहीं कर पाया मैं, 8:25 में किया, बट आपकी आवाज तब भी नहीं आ रही थी। खैर, अभी सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अच्छी बात है। सो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है? क्लासिकल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि काफी पुरानी है और स्टिल अभी के टाइम में भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, सो एक क्लासिकल थ्योरी का मतलब है कि कोई एक ऐसी थ्योरी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है काफी समय पहले से, कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके से चलता है या चलना चाहिए, या किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर के एक मतलब थ्योरी बना हुआ है। ठीक है ना, सो उसी के बारे में हम लोग करेंगे। सो द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अर्ली मैनेजमेंट फिलोसफीज एंड अप्रोचेस दैट, एक मिनट, यस, सो फिलोसफीज एंड अप्रोचेस दैट इमर्ज ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। ठीक है ना, सो क्लासिकल थ्योरीज ऐसी थ्योरीज हैं जो कि एक तरीके से मैनेजमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए, मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट का मिशन उनको गोल सेट करना चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है, उसका अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर जो एक तरह से थ्योरी बनी थी। मतलब एक थ्योरी देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला थ्योरी, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चल रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन में जिस रास्ते पे चल करके उनको प्रॉफिट मिलता है या उनको सक्सेस मिलता है, उसी को वो लोग एज ए स्टैंडर्ड थ्योरी मान लेते हैं कि हमारा अप्रोच जो है ये होने वाला है, हमारी फिलॉसफी ये होने वाली है, इसका कोई रिटर्न कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो अगर जिस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा आपके लिए, वही आपके लिए थ्योरी हो जाएगा, वही आपके लिए सही हो जाएगा। तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के आसपास जो है इस तरह की बात निकल करके आई कि इस तरीके से जो है मैनेजमेंट का अप्रोच होना चाहिए, उनकी फिलोसफी होनी चाहिए, और उसी को एज ए क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे बोला गया है। दीज थ्योरी सर्व टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशियंट एंड इफेक्टिव वेज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज बिजनेसेस। है ना, वही बात है जो मैंने कही अभी, कि ये जो थ्योरीज होती हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं कि किस तरीके से आप अपने मैनेजमेंट को, अपने बिजनेस को आप इफेक्टिव वे में चला सकते हैं, है ना, मैनेज कर सकते हैं। देयर आर थ्री प्राइमरी क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीन तरह की यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी की बात की गई है। सबसे पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, काफी फेमस है, हम लोगों ने पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। यस, सो फ्रेडरिक टेलर, यहाँ W से आई थिंक विलियम्स है, FW टेलर का आपने नाम सुना होगा जब आपने मैनेजमेंट वगैरह स्टडी किया होगा इलेवन ट्वेल्थ में, तो FW टेलर आपने सुना होगा, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्हीं का कंसेप्ट था, तो उन्हीं के बारे में है यहाँ पे कि ये जो थ्योरी है ये क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म इम्फेसाइजेज द साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। है ना, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करना है, आपको अगर अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़े। अब ये साइंटिफिक अप्रोच क्या है, इसके 15-16 पॉइंट्स है पूरा, मैं वो कभी बताऊंगा बाद में, तो बहुत सारी चीजें हैं। सो इस चीज को जो लोग करते हैं उसको हम लोग एज ए टेलरिज्म मान सकते हैं, है ना, कि वो लोग टेलरिज्म को फॉलो करते हैं, वो लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। टेलर बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशंस कुड अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी बाय केयरफुली स्टडिंग वर्क प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग देम। ठीक है ना, सो अभी के टाइम में भी ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। आप किसी भी काम को उठा करके देख लो, हर एक काम में आपको ये एनालाइज करना होता है कि आपका प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, क्या आप जिस प्रोसेस में चल रहे हैं उस प्रोसेस में आप अपने काम को तुरंत कंप्लीट कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके जरिए आप और जल्दी कंप्लीट कर लें, तो ये अभी भी चलता है। तो टेलर बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी बाय केयरफुली स्टडिंग वर्क प्रोसेस, अपने वर्क प्रोसेस को ठीक तरीके से स्टडी करके और साथ ही साथ उसको ऑप्टिमाइज करके। ऑप्टिमाइज करने का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही है वो पता करके, उस प्रॉब्लम को हटा करके उसको मैक्सिमम लेवल पे काम करवाना, है ना। ऑप्टिमाइज का मतलब जो उसका ऑप्टिमम जो रिजल्ट आपको मिल सकता है, ऑप्टिमम मतलब हाईएस्ट, ठीक है ना, उस पे उसको काम करवाना। ठीक है, तो ये उनका कंसेप्ट था। प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे, टाइम एंड मोशन स्टडीज है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टास्क टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग देम, है ना, एक डिटेल एनालिसिस किया जाता है कि जो टास्क आपको दिया जा रहा है उसको किस तरीके से आप मोस्ट एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर सकें, है
अगर आप एफिशिएंटली मैनर में कंप्लीट कर सकेंगे तो काम हो सकता है कि और जल्दी हो जाए हाँ और अच्छे से हो। काम कंप्लीट तो सिर्फ नहीं करना होता ना, आपको अच्छे से भी करना होता है। ऐसा नहीं कि काम से काम आपने कंप्लीट कर दिया लेकिन आपको वापस से दोबारा करना पड़ा, ठीक है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी में वही होगा कि आप कितने कम टाइम में कितना अच्छा काम कर सकते हो, वो चीज है। दूसरा है प्राइस रेट इंसेंटिव्स, सॉरी पीस रेट इंसेंटिव्स। ये हम लोगों ने किया था, कॉस्टिंग वगैरह में होता है ये, कि आपका जिस तरीके से आप काम करते हो उसके हिसाब से जो है आपको इंसेंटिव वगैरह मिलता है। तो इंसेंटिव इस वगैरह तरीके से मिलता यस, तो है, यहाँ राइट पे एक राइट। तरीके से इंप्लॉयज को इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है कि अगर आप वो अच्छा काम करेंगे तो आप उसको इंसेंटिव्स देंगे। अभी भी दुनिया इसी पे चल रही है, कमीशन पे चल रही है। कमीशन इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव आप बोल सकते हो, तो इंसेंटिव पे ही है। सो पेइंग वर्कर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, है ना। आपको ये पता है कि अगर आप जैसे कि अगर किसी को सेल करने के लिए कुछ दिया गया, जो सेलर होता है, ठीक है, तो सेलर का काम क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना। तो देखना कि वो जितना प्रोडक्ट सेल करेगा उसके ऊपर उसका एक कमीशन बनेगा, उसकी एक फिक्स सैलरी तो होगी, प्लस जितना यूनिट वो सेल करेगा उसके ऊपर भी उसको कमीशन मिलेगा, समझ रहे हो आप। सो वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, पीस रेट इंसेंटिव। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। तो डेवलपिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड टूल्स टू एलिमिनेट वेरियस यू नो वेरिएशंस इन वर्क प्रोसेस। तो कई बार हमें हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे वेरिएशंस आते हैं, मतलब कभी देखना किसी वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम कर लेंगे, कभी बहुत ही खराब काम करेंगे। तो ये जो खराब काम करेंगे उसको एक तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो वेरिएशन के रीजन्स हैं उनको फाइंड आउट करके उनको हटाना और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना कि मैं इसी स्टैंडर्ड के तहत काम करूंगा, हमारी बिजनेस इसी स्टैंडर्ड के तहत काम करेगी, ठीक है। सो डेवलपिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड टूल्स टू एलिमिनेट वेरिएशंस इन वर्क प्रोसेस, ये इसका प्रिंसिपल्स है। तीसरा है इसका क्रिटिक, मतलब उसके अगेंस्ट में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट में बोलने वाले लोग भी बहुत हैं। अब लोग क्या आर्ग्यू करते हैं देखो यहाँ पे। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट ओवर सिंप्लीफाइज वर्क, ठीक है। क्रिटिक्स कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है किसी भी काम को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दे रहा है। वो सिर्फ बोल रहा है कि कोई भी काम है उसको ठीक तरीके से देखो और ऑप्टिमाइज करो, बस इतना ही नहीं होता है। लोगों के हिसाब से इसमें और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना होता है ना। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि इट ओवर सिंप्लीफाइज वर्क एंड कैन लीड टू एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन एंड मोनोटोनी मोनोटोनी, ठीक है। तो इसके कारण से जो है एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है और मोनोटोनी वाला फील जो है वो आ सकता है कि एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है ना। एम्प्लॉयज के अंदर देखना ये फील आता है, ठीक है। सो मोनोटोनी का इशू भी जो है वो निकल करके आ सकता है इस मैनेजमेंट, इस वाले तरीके को अगर कोई फॉलो करता है। तो देखो हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है। अब तीन चीज में अगर कोई एक चीज आपको चुननी है तो आप ऐसी ही चीज चुनेंगे जिसमें ज्यादा फायदा होगा और नुकसान थोड़ा बहुत होगा। नुकसान तो होना ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। सो क्रिटिक्स भी यहाँ पे ये बात बोलते हैं, लेकिन ये मेथड अभी भी यूज होता है, ठीक है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हेनरी फैल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फैल, ए फ्रेंच इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, प्रपोज्ड अ सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इन्होंने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताए थे, इनका प्रिंसिपल्स भी है, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, 10-12 पॉइंट इसमें भी है, 13-14 पॉइंट आई गेस। सो दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स सारे हैं क्या, नहीं सारे नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं प्रिंसिपल्स में। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर। सो काम को लेबर के अकॉर्डिंग बांटना, लेबर्स में बांटना कि भाई तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम वो करेंगे। हर आदमी हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, तो जो जिस काम में अच्छा है आप उसको उसी के अकॉर्डिंग आप काम दोगे। वी शुड बी वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड असाइन टू स्पेशलिस्ट, है ना, बोला है वर्क शुड बी डिवाइडेड, वर्क को डिवाइड करना है और उसको असाइन करना है स्पेशलिस्ट के हाथों, जो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप उन्हीं को वो काम दीजिए बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। दूसरा है स्केलर चेन। स्केलर चेन एक तरीके से चेन ऑफ कमांड भी आप बोल सकते हैं कि जो चीज स्टार्टिंग से शुरू हुई है वो एंड पे जाकर के खत्म होगी, मतलब वन बाय वन चीजें जो है होती आ रही है। अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, है ना, कि जो एमडी है उसने कुछ कहा, फिर उसको सीईओ ने माना, सीईओ अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलेगा, सबॉर्डिनेट्स अपने जो मैनेजर्स हैं उनको बोलेंगे, मैनेजर्स अपने जो इम्प्लॉयज है उनको बोलेंगे, है ना। तो एक हायरार्की चलती हुई आ रही है ऊपर से नीचे तक, और ये एक चेन में है, चेन ऑफ कमांड आप बोल सकते हो, जिसमें ये सारा चीज जो है काम होता है, उसको स्केलर चेन बोलते हैं, ठीक है। अथॉरिटी शुड एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, तो जो भी कमांड दिया जाता है उसमें यूनिटी होनी चाहिए।
एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है, ऐसे देखता काम नहीं चलेगा, है ना। सो यूनिटी देखता ऑफ हूँ कमांड होना चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर। हर बंदे को एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। अगर 5-6 सुपरवाइजर होंगे तो आप उनका काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ठीक है। चौथा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आपको जाना है वो तो सुपरवाइजर ही डिसाइड करेगा। तो वो जिस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए बोलेगा, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। तो एक यूनिटी वहां पर भी यस आपको होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन प्लान एंड वन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स शुड गाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक प्लान और एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है और आपको उसी के करते तहत चलना है। अब देखो इसके भी क्रिटिक्स हैं, तो फायोल्स के प्रिंसिपल्स को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्या बोलते हैं, इनका जो इनका जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, कड़ा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत कम देखने को मिलती है, एंड नॉट अडेप्टेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में हम इस नियम को, इस तरीके को हम लोग अपना नहीं सकते हैं। तो ये बात तो पहले वाले में भी बोली गई थी कि हर सिचुएशन में जो जो तरीका है वो फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अभी के टाइम पे लोग हर एक चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब अभी के टाइम पे क्या है कि थ्योरी स्टैब्लिश्ड है कि क्या किस काम को कैसे करना है। अब जो जिसको सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अप्लाई करता है। ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ये अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं चल रही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ साथ ये भी चल रहा है ना। स्केलर चेंज चलता है, डिविजन ऑफ लेबर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चलता है। आप काम लोगों को वैसे ही देते हो जो वो कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं। तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर के द्वारा। तो की कंसेप्ट क्या है इसका, इसका कंसेप्ट है, मैक्स वेबर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज अ वे टू अचीव एफिशिएंट एंड रैशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी जो भी काम करवाए जाते हैं, है ना, हम लोग का तीन चीजें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीन हमारा चीज है जिसके बेसिस पे जो है हमारा कंट्री चल रहा है। हमारा संविधान में तीन ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो जुडिशियरी को अलग रखते हैं, वो तो बाद में आएगा, जब कुछ लफड़ा होगा तब लोग जाते हैं जुडिशियरी के पास। लेकिन जो मेन काम है वो कौन करता है, वो करता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या करता है, नियम बनाता है, लेकिन उस नियम को लागू करवाने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएंगे, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे। मैंने बहुत बड़े लेवल पे इसको लेकर के मैं चला गया, बट ब्यूरोक्रेसी का मतलब यही है कि हर एक चीज का एक करवाने वाला एक बंदा होगा और उसी वही चीजों को जो है फॉलो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की ही बात की जा रही है, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड ब्यूरोक्रेसी एज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रोल्स, ठीक है। इसमें पहला क्या है, डिविजन ऑफ लेबर, इसमें भी वही आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आपको स्पेशलाइज करना। देखो ब्यूरोक्रेसी में भी एक आदमी हमारा डीएम है, डीएम के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट में उनका हेड है, ठीक है। जो जिस चीज से बिलोंग करता है या जो जिसको जो चीज आती है उसके अकॉर्डिंग उसको वो काम दिया जाता है, ठीक है। सो डिविजन ऑफ लेबर, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, वही स्केलर चेन, और ये दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, है ना। डीएम अगर कोई ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को हर एक जगह पे अप्लाई करवाना होता है ना। उनके जो भी जूनियर्स होते हैं उन सबको उस चीज को अप्लाई करवाना होता है। सो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर एक चीज के लिए। ब्यूरोक्रेसी में हर एक चीज के लिए रूल्स है। अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो आपको रूल के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी, ठीक है ना। सो हर एक चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ पे बिजनेसेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी बिजनेसेस का भी अपना ना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आप बोल सकते हो एक पॉलिसी होती है, उनका पॉलिसी ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। सो वो हो गया। चौथा है इम्पर्सनैलिटी। सो डिसीजन एंड एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन रूल्स। आप जो भी डिसीजन और एक्शन लोगे वो रूल्स के ऊपर बेस्ड होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ हर एक चीज के लिए रूल्स होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में या किसी भी जॉब में अगर आप रहोगे तो जॉब में हर जॉब का ना अपना अपना एक पूरा का पूरा गाइडलाइंस है, और रूल्स के तहत आपको सजा मिलती है बाकायदा सेक्शन के साथ, पॉइंट्स के साथ, ठीक है ना। सो इन पर्सनैलिटी में वही है कि आपको जो भी डिसीजन लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग लेने हैं। अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लोगे, सरकारी देखना हर एक चीज रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं लोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है फिर पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो वो सारी चीजें हैं। नॉट पर्सनल प्रेफरेंसेस, अब यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो रूल है आपको वही करना है। जैसे देखना कि लोग टेंडर फाइल करते हैं ना किसी चीज का, एक तरीके से लेने के लिए, मतलब काम लेने के लिए लोग टेंडर देते हैं,
तो टेंडर का नियम क्या है कि यस जिसका टेंडर का प्राइस कम होगा है ना, वो हम उसको देंगे। बट लोग क्या करते हैं यहाँ पे अभी के टाइम पे कि लोग अपना प्रेफरेंस मतलब जान पहचान का किसी से कमीशन लेने के लिए उसको दे देंगे टेंडर, ठीक है, तो वो गलत है। यस बट अगर वो कभी आई थिंक पकड़ा गया तो वो बुरी तरह फंसेगा, है ना। सो जो भी यस डिसीजन आप लोगे एग्जैक्टली आपको रूल्स के अकॉर्डिंग लेना है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। बिजनेसेस में भी वही होता है, बिजनेस में तो टेंडर मतलब काफी कॉमन चीज है, वो तो होना ही होना है। और इसका क्रिटिक भी है, सो वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स पोटेंशियल एंड क्रिएट रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसको भी उसी तरह से एक तरीके से उसी बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत ज्यादा रिजिड है। अब देखो जहां पर रूल्स फॉलो होंगे ना वहां वो चीज रिजिड होगी। आपको पता है कि आप अगर अपना रूल फॉलो करवाओगे तो किसी का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली चीज होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है, यहाँ पे किसी भी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी देखा नहीं जाता है। तो वही इसका सबसे बड़ा जो है नेगेटिव है, और क्रिटिक्स भी वही बात बोल रहे हैं कि वेबर्स का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन द बेसिस की ये जो नियम कानून बहुत ज्यादा मानते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा रिजिड है और ये एक बहुत ही इनफ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। अच्छा, क्रिटिक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, अब ये तीनों मैंने अभी आपको बताया ये सारी की सारी क्लासिकल थ्योरीज थी। अब बहुत सारे लोग क्लासिकल थ्योरीज को भी एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब इन तीनों को एज ए होल क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी है, सो क्रिटिक्स अभी फिलहाल क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है द थ्योरीज वर डेवलप्ड इन अ डिफरेंट एरा, सही बात है। उनका कहना है कि ये जो थ्योरीज हैं ये एक डिफरेंट एरा में बना था, 19th सेंचुरी, आप समझ रहे हो, मतलब 1800 से 1900 के बीच, और 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर के 2000 के बीच, ये उस टाइम पे आया है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली सिचुएशन अलग था, बिजनेस के काम करने का तरीका अलग था, बिजनेसेस अलग थे, है ना। तो जो थ्योरी उस एरा में बनी है वो अभी के टाइम में उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। दीज थ्योरीज वेर डेवलप्ड इन डिफरेंट एरा एंड मे नॉट फुल्ली एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज, और उस टाइम पे जो चीजें बनी थी, थ्योरीज बनी है, वो अभी के टाइम में जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उन सारी चीजों से आप अपने मॉडर्न प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओ। मे नॉट फुल्ली एड्रेस कॉम्प्लेक्सिटीज, जो कॉम्प्लेक्सिटीज अभी है, उस टाइम पे बहुत चीजें बहुत सिंपल हुआ करती थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज अभी है उनको हो सकता है कि उसमें वो काम ना आए। एंड डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डायनेमिक्स होता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है, तो उसमें अगर आप पुराने थ्योरीज को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो ठीक तरीके से काम ना करे। तो ये सबसे पहला जो है इनका क्रिटिक्स का कहना है। दूसरा पॉइंट है दे ऑफन एम्फेसाइज एफिशिएंसी एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स। अब यहाँ पे एम्फेसाइज करने की बात की जा रही है एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑन द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स, है ना। एक बंदा किस तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर आपकी एफिशिएंसी जो है एक तरीके से एम्फेसाइज करे। अगर कोई ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, उसके सोशल फैक्टर्स भी एक तरीके से मैटर करते हैं, वो जिस वातावरण में रह रहा है क्या वो वातावरण उसके लिए सही है, क्या वो ठीक तरीके से उस वातावरण में काम कर पाएगा, है ना। इस तरह की चीजें भी जो है जो कि आपकी एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वही बात है कि अभी के टाइम में जो ये बात बोली जा रही है कि एफिशिएंसी लाने के लिए आप काम को बांट दो ठीक तरीके से, तो सिर्फ बांटने से नहीं होगा, उसके आसपास के फैक्टर्स को भी देखना होगा, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है। तीसरा पॉइंट है क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दे कैन लीड टू मैकेनिस्ट एंड डीह्यूमनाइजिंग अप्रोच टू वर्क, है ना। सो ये तरीका अगर अपनाया जाए तो आप बहुत ज्यादा मैकेनिस्टिक हो जाएंगे। मैकेनिस्टिक मतलब मशीन, जैसे मशीन काम करती है बिना कुछ सोचे समझे, जो उसको काम दे दिया जाए मशीन अपना काम करती रहती है, उसी तरीके से ह्यूमंस तो मशीन नहीं है ना, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या जो क्लासिकल अप्रोच है वहां पे ह्यूमंस को एक तरीके से मशीन्स के रूप में बताया गया है कि उनसे जो है बस काम करवाना है और जैसे मर्जी वैसे काम करवाना है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इस तरीके को फॉलो किया जाए, तो इसके कारण से मैकेनिस्ट तरीका हो सकता है, डीह्यूमनाइजिंग अप्रोच हो सकता है काम करने का। किसी भी काम करने के लिए आपको ह्यूमन अप्रोच अपनाना जरूरी है। डीह्यूमनाइजिंग अप्रोच का मतलब हो गया कि जो उसकी छूट है, ऑटोनॉमी जो उसको मिली हुई है, आप भी उसकी ऑटोनॉमी उससे छीन ले रहे हो। ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हालांकि जरूरी भी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उसी के बेसिस पे तय होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे जरूरत हो वहां पे बदलाव की भी जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत टाइम्स में बदलाव होते आए हैं, है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बदलाव होना चाहिए। वही बात बोली गई है कि ये अगर इसको अपनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा मैकेनिस्ट हो जाता है और डीह्यूमनाइजिंग अप्रोच होता है काम करवाने का।
चौथा और आखिरी पॉइंट है, दे मे नॉट अकाउंट फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लॉय मोटिवेशन. अब इसके कारण से जरूरी नहीं कि इम्प्लॉय का मोटिवेशन हो, इम्प्लॉय का मोटिवेट वो डिमोटिवेटेड हो सकता है, उसकी क्रिएटिविटी हो सकता है ना बढ़े, क्योंकि आप उसको रूल्स में बांध करके रखे हो कि रूल्स तुम्हें फॉलो करना है. अडेप्टिबिलिटी वो ना सीखे कि चीजों के साथ कैसे अडेप्ट करना है. अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो आप नई चीजें तो आप कर ही नहीं पाएंगे ना. अगर नई चीजें नहीं कर पाएंगे तो अडेप्टिबिलिटी की तो बात ही अलग हो जाती है. अभी के टाइम पे उन सारे अप्रोचेस को मान करके आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, ये ओवरऑल यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. ठीक है, सो क्रिटिक्स का ये कहना है, 4 पॉइंट. कंक्लूड करते हैं, डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस, इसके बहुत सारे नुकसान है जो हम लोगों ने अभी क्लासिकल थ्योरीज पढ़े हैं. लिमिटेशंस का मतलब हो गया कि डिसएडवांटेज, वो सारे करने के बावजूद क्लासिकल थ्योरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, है ना. क्लासिकल थ्योरीज ही है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट का जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है. हम लोग जो भी मैनेजमेंट पढ़ते हैं या जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर ही बेस करके की जाती हैं. बिजनेसेस जो काम करती हैं वो क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस करके ही काम करती हैं, है ना. सो मैनेजमेंट थॉट एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स टू इनटू इनसाइट्स इनटू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड एफिशिएंसी, है ना. सो भले ही इसके लिमिटेशंस हो, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, और फायदे में बताया गया है कि हमें बहुत ज्यादा इनसाइट्स मिलता है, जानकारी मिलती है कि बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कैसे आप बिजनेस को रन करेंगे जो आप एफिशिएंसी हासिल कर पाएंगे, है ना. ये सारे फायदे हैं. मेनी मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दीज अर्ली थ्योरीज, ये भी बात बोल दी गई है ना, कि जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट का तरीका है, जो प्रैक्टिसेस अभी निकल करके आई हैं, प्रिंसिपल्स अभी निकल करके आई हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है पुराने वाली चीजों को ही इवॉल्व करके बनाया गया है. ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर दिया गया है, पुराने वाली चीजों में ही चेंजेस ला करके थोड़े बहुत उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है ना. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक. अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में. एंड ये LCO1 जी है, इसका PDF भी मैं कोशिश करूंगा आज ही शेयर कर दूं. रेडी है. एंड सर, अगला क्लास शाम में करते हैं, ठीक है. सर शाम में कब तक? 8 साढ़े 8 उसी टाइम पे. 9 बजे अभी पॉसिबल चलेगा नहीं है, थोड़ी देर के बाद. नहीं, मुझे ऑफिस जाना है. ओके सर, ओके ठीक है सर, तो इवनिंग में ही करते हैं. शाम में आठ रात साढ़े को कर आठ नौ लेते भी हो हैं सकता है, सर, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, 9 किसी भी को हो करते हैं जाएगा क्या चलेगा, करना. 9:30 बजे का चलेगा सर. सर ठीक है नॉट एन इशू नो देन. तो शाम में करते हैं, शाम में मैं व्हाट्सएप प्रॉब्लम कर दूंगा. सर. ओके सर, और सर बोलना था कि एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया सर, बस उसमें ABC अकाउंट सर जरूरी नहीं था ओपन करना, ये मेरा ऐसे ही हो गया सर बिना वो ABC अकाउंट ओपन किए हैं. हाँ, मुझे इस चीज को लेकर के डाउट था कि क्या है वगैरह, लेकिन अगर आप कर लेंगी ना आकांक्षा तो यस सर, अच्छा यस रहेगा. सर, अच्छा इसलिए रहेगा ना कि जो भी आपका रिजल्ट वगैरह होगा वो उसी में जाकर के जमा होता रहेगा आपके अकाउंट में. दोबारा अगर आप एमकॉम या कुछ, एमकॉम कह रहा हूँ, दोबारा अगर आप किसी तरह का कोर्स करती हैं इग्नू से, तो जैसे बैंक में पैसे रखते हैं जी ना, वैसे इस बैंक में आपकी डिग्रियां सर, जमा होती रहेंगी, समझ रहे ओके हो. सर, ओके ये जी उस तरीके से है, तो बाद में सर, कर लीजिएगा. अच्छी बात है, नहीं वो अभी जरूरत पड़ा बाद में कर लीजिएगा, यस सर. ठीक है. ऐसा सर नहीं कि मैंने अभी करना एग्जामिनेशन है. फॉर्म कूल फिलअप कर दिया सर. कूल, अच्छी बात है. अब तो बस वही पढ़ाई करना है, जी असाइनमेंट भी आपका सबमिट हो गया है. किशन सर, आपका मेरा हुआ असाइनमेट सबमिट असाइनमेंट वैसे? कंप्लीट हो गया सर. ओके ओके, तो इस सैटरडे संडे को सबमिट कीजिएगा, कल को. आज ही तो सैटरडे है, हाँ, नहीं मैंने ठीक बात है किया ठीक है, मैं सबमिट कर दूंगा सर. और ये बाकी सब्जेक्ट का सर PDF कब तक सेंड कीजिएगा? ये जल्दी ही मैं सेंड कर दूंगा. 4 तो मैंने सेंड कर दिए हैं, 4 और बचे हैं, वो भी मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी. ओके सर, ओके ठीक है, ओके देन, फिर शाम में मिलते हैं. मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, 8 साढ़े 8 बजे से क्लास करते हैं फिर. ओके ओके सर, ठीक थैंक यू. है गाइस, ओके सर, ओके देन, टेक केयर. बाय. या टेक यू. ओके सर.